दोस्तों आप हैं गुजरात के अहमदाबाद से, गुजरात के आनंद से, गुजरात के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया है बिना जानकारी के, आपको लोन मिल गया है ज्यादा ब्याज पे, कहा कुछ मिला कुछ, और आप परेशान हैं उस लोन में। आपके क्रेडिट कार्ड से किसी ने पैसे निकालने ही हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपने फटाफट कॉल कर दिया था बैंक को, साइबर सेल को, लेकिन वह पैसा अब आपकी देनदारी हो गई है। बैंक कह रहे हैं वो पैसा आपको देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऐसी संस्था है जो आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और वो संस्था है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग लोकपाल। आप लोगों का कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, किसी बैंक का लोन हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उस सर्विस से संतुष्ट नहीं है, बैंक के जवाब से संतुष्ट नहीं है, और आप गुजरात के रहने वाले हैं और अहमदाबाद के रहने वाले हैं, तो अब आपको मैं एक एड्रेस देने जा रहा हूँ गुजरात का, यानी कि आप अहमदाबाद में जाके अपने पूरे गुजरात का प्रॉब्लम वहाँ पे लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और आपका सोल्यूशन होगा। और आप चाहे तो फिजिकली भी जाके अपनी परेशानी को रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप गुजरात के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, चाहे वो आनंद हो, मेहसाना हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, और आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के ट्रैप में फंस गए हैं, या किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया है और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग लोकपाल यानी कि अम्बड्समैन की शिकायत केंद्र के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आप गुजरात के कहीं से भी शिकायत को यहां मेल के द्वारा लिखित रूप में आके भी देख सकते हैं। एड्रेस पूरा बताऊंगा, किन से मिलना है, सारी चीजें बताऊंगा। तो दोस्तों मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। RBI को शिकायत कैसे करें? दोस्तों देश के सभी बैंकों का हेड जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और जितने भी मामले होते हैं उसका अंतिम पड़ाव आप लोगों को पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और आप आगे बढ़कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। RBI बैंकिंग लोकपाल द्वारा 12 नवंबर 2021 को लागू की गई रिजर्व बैंक सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत आपकी शिकायत का समाधान उनका हक है करना, बैंक का या बैंकिंग के लोकपाल का। RBI बैंकिंग लोकपाल यानी कि बैंकिंग अम्बड्समैन का क्या मतलब है? बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के खंड 8 में उल्लेखित शिकायतों के आधार पर बैंकिंग सेवाओं में त्रुटि से संबंध में ग्राहकों द्वारा RBI के पास दर्ज कराई गई शिकायतों के समाधान के लिए बैंकिंग नियामक द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी को RBI बैंकिंग लोकपाल कहते हैं। और बैंकिंग लोकपाल का दोस्तों काम क्या होता है? तो दोस्तों आपके पास RBI बैंकिंग लोकपाल के पास किस तरह से शिकायत दर्ज करवाना है? तो सबसे पहले दोस्तों आप अनचाहे सर्विस आपको बैंक ने दे दिया है और आप उसकी शिकायत बैंक को कर रहे हैं और बैंक आपका समाधान नहीं कर रहा है, आपको बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था के माध्यम से क्रेडिट कार्ड दे दिया है, वे ग्राहक की स्पष्ट तौर पर सहमति के बिना यानी कि आपके बिना आपकी सहमति के क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया है, उसको अपग्रेड कर दिया है, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी और आपको दे दिया है, NBFC ने आपको लोन दे दिया है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड दे दिया, फिजिकल डेबिट कार्ड दे दिया है, और आपको वो चीज़ के बारे में नहीं मालूम है, उस पर चार्ज लगा दिया है, तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों में बैंकों को अपनी शिकायत कर सकते हैं। और 30 दिन में अगर बैंक आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है तो RBI ने अप्रैल 2022 में कहा है कि ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जुर्माने के तौर पर बिल राशि की दुगुनी रकम का भुगतान करना होगा। जिस व्यक्ति के नाम से कार्ड जारी किया गया है वो RBI के लोकपाल से इस बात की शिकायत कर सकता है। इसके बाद लोकपाल द्वारा शिकायत के समय के अनुसार उसके द्वारा खर्च की गई राशि, रकम और उसको होने वाली परेशानी तथा मानसिक पीड़ा के एवज में मुआवजे की राशि तय करेगी, जिसका भुगतान कार्ड जारी करता क्लाइंट को करेगा। तो दोस्तों बैंकिंग सेवाओं में निम्नलिखित में से किसी भी त्रुटि के संबंध में जो आपको स्लाइड के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं, आप परेशान हैं तो बैंकिंग लोकपाल के पास जाकर आप अब उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिस पर लोकपाल विचार करेगा। तो दोस्तों सबसे पहला है चेक, ड्राफ्ट या बिल के भुगतान या कलेक्शन में बहुत ज्यादा देरी अथवा इसका भुगतान नहीं करना।
तो ये प्रॉब्लम है, तो आप इसकी शिकायत बैंकिंग लोकपाल में कर सकते हैं। बिना किसी कारण के किसी भी उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किए छोटे मूल्य वर्ग के नोटों को अगर बैंक स्वीकार नहीं करता है तो और कमीशन वसूल करता है, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। ये टोटल 24 बैंकिंग के पैरामीटर्स है जिन पे बैंकिंग लोकपाल आपकी सारी शिकायतों को सुनेगा। और सबसे ज़्यादा जो आप लोगों की प्रॉब्लम होती है वो क्रेडिट कार्ड की होती है कि किसी ने फ्रॉड कर लिया, किसी ने पैसे निकाल लिए, किसी ने गलत बिल बना के दे दिया और आपको समाधान नहीं मिलता है, तो दोस्तों आप बैंकिंग लोकपाल के पास जा सकते हैं। तो अब अगर आप गुजरात के हैं तो गुजरात में आपको मैं एड्रेस बता रहा हूँ बैंकिंग लोकपाल की, कि आपको कहाँ जाके कैसे शिकायत करना है। पूरा नाम बता रहा हूँ, एड्रेस बता रहा हूँ, और उसके बिहाफ पे आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं, RBI के पास भी जा सकते हैं। तो दोस्तों शहर अहमदाबाद है, RBI के पास शिकायत करने का पता है N सारा राजेंद्र कुमार जी, CEO भारतीय रिजर्व बैंक, 5वीं मंजिल आयकर कार्यालय के समीप, आश्रम रोड अहमदाबाद, पिन कोड है 380009, STD कोड है 079, और जो नंबर है 2658-2357। और दोस्तों ईमेल आईडी है cmsbohmedabd@rbi.organization.in। फिर से लिख लीजिए, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है। और दोस्तों ये जो एरिया का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे वो पूरे गुजरात का होगा और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन और दीप, यहाँ के भी अगर क्लाइंट के साथ क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन में या जो चीज़ मैंने बताई है उसमें प्रॉब्लम है, तो ये अहमदाबाद लोकेशन पे आके अपनी शिकायत यहाँ पे बैंकिंग एम्बर्समैन में कर सकते हैं, और चाहे तो मेल आईडी भी कर सकते हैं cms.bankingombudsman का शॉर्ट फॉर्म है boahmedabad@rbl.org.in। तो दोस्तों आज मैंने आपको अहमदाबाद का बताया, तो इस प्रकार से आप अलग अलग स्टेट के हैं तो अलग अलग एड्रेस मैं अलग अलग वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आप अहमदाबाद नगर दादर हवेली के हैं तो आप अपनी शिकायत यहां पे रख सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में मैंने जो आपको बात बताई कि RBI बैंकिंग लोकपाल में कैसे गुजरात के लोग शिकायत कर सकते हैं, यह बात आपको समझ में आई होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी जाके फॉलो कर सकते हैं ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और अगर ब्लॉग पढ़ने का शौक है तो हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी दूसरे टॉपिक को लेकर। आप वीडियो को करिए लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हम लोग भी आप अगर डेट ट्रैप में फंसे हुए तो निकलवाने में हम आपकी मदद करते हैं। नीचे जो नंबर आ रहा है फटाफट आइए, अपने सवाल परेशानी को लिखिए, हम बताएंगे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के ट्रैप से। सी यू, बाय।